वॉल अपडेट प्रोवाइड कर रही है, शुक्रिया आपका, स्वागत और धन्यवाद दोस्तों। सभी भाइयों ने तो कैसे हो आप लोग, आशा करता हूँ ठीक होंगे महाकाल की दुआ से। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं पंतनगर, वहाँ दिखाते हैं आपको सेमीफाइनल मैच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और घंटा दबाना ना भूलें। कल भगत मार दे, शुरुआत हो चुकी है चौथे सेट की। जबरदस्त अटैक यहाँ पे उठते हुए गए शाहरुख और अटैक किया पहला अंक चौथे सेट का यूपीसीए के नाम। शांतिपुरी वॉलीबॉल दोनों की टीम इंतजार कर रही है फाइनल में, लेकिन रॉस नहीं आएगी दो मैचों में सिर्फ भिड़ने के लिए। 1-0
दूसरा सेट यहाँ पर जीत गया है टीम हरिद्वार झबरन क्लब ने। और इस मुकाबले के फाइनल मुकाबला जब फाइनल मुकाबला होगा कौन सी टीम जाएगी दूसरी, ये बहुत मुश्किल है कह पाना, क्योंकि यहाँ पर इस सेमीफाइनल मुकाबले में एक एक सेट करके दोनों टीमें बिल्कुल बराबर पर हो चुकी है। और तीसरे सेट के मुकाबला यहाँ पर शुरू होगा और इसी बीच में मुकाबला रोमांचक बिल्कुल बराबरी का, अभी हम हैं तो फिर क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो फिर क्या तुम हो, ये वॉलीबॉल के सेमीफाइनल की जंग है। यहाँ पर न यूपीसीएल कम है न झबरन क्लब कम है, 2-0 3-0 हमारे बीच में इस प्रतियोगिता में कई शख्सियत है जो कि हमारे पूरे कुमाऊं से और उत्तर प्रदेश से भी बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, उन सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ये सेमीफाइनल मुकाबले का तीसरा सेट यहाँ पर चल रहा है, लेकिन कितना रोमांचक मुकाबला ये है, देखिए बैकलाइन के बाहर गेंद और इसी के साथ स्कोर है 1-3। सर्विस काफी अच्छी ब्लॉक की गई, लेकिन यहाँ पे गौरव ठाकुर ने बहुत अच्छा अटैक किया, वाइप आउट करने में इस बार भी कामयाब रहे हैं। 2-4 और इनकी तरफ से दो वॉलीबॉल हमारे क्लब के देने की वादा किया गया था, इनके पास दो वॉलीबॉल यहाँ पर आ चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद भिंगा की, आपने हमें ये दो वॉलीबॉल आपने प्रोवाइड करवाई, शुक्रिया आपका। तो ये बढ़िया था इस बीच में 5-4 का स्कोर यहाँ पे, और हमें हमारे बीच में कल हमने देखा कि प्रिंट मीडिया में और सोशल मीडिया में हमारे इस पूरे वॉलीबॉल की प्रतियोगिता को काफी बढ़िया तरीके से जगह मिली है, तो मैं धन्यवाद अदा करूंगा सोशल मीडिया के और प्रिंट मीडिया के भाइयों का कि जिन्होंने हमें यहाँ पे इस प्रतियोगिता को अपने अखबारों में जगह दी, उनका शुक्रिया, उनका धन्यवाद बहुत बहुत। जिसमें हिंदुस्तान से हमारे बीच में आदमी वीरेंद्र कोहरा जी हैं हमारे बीच आए हुए, उनका शुक्रिया। यहाँ पे इसी बीच काफी अच्छा है, यहाँ पे कोशिश सर्विस बहुत अच्छी कर रहे हैं, सिक्स फोर का स्कोर है, लेकिन ऐसा आके यहाँ पर अपने रन बनाते हुए और ये अंक मिल गया टीम यूपीसीएल को, स्कोर है 7-4। और अमर उजाला से हमारे बीच में आदमी गोपाल सजवान जी हैं, जिनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे बीच है। और हमारे बीच उत्तर उजाला से ये वो शख्स है जिन्होंने इस पूरे प्रतियोगिता को चार चार लगा दिया अपने सोशल मीडिया और अपने उत्तर उजाला अखबार में, आदमी मोहन गुप्ता
मैडी भाई का एक और अपना सोशल मीडिया पे वो हैंडल करते हैं, तो वहां पे उन्होंने बहुत अच्छी वीडियो उसको अपलोड किया है उनके फेसबुक पेज पे और उनके ट्विटर पे जाकर के आप देख सकते हैं। साथ ही दैनिक जागरण के आदमी मयंक तिवारी जी का भी स्वागत और धन्यवाद। उनका भी शुक्रिया, स्वागत उनका, धन्यवाद बहुत बहुत। और ये भी हम खेला यहाँ पे टीम छब्बीस करोड़ की टीम अब एक ही अंक पीछे है सेवन के। बेहतरीन अटैक, बेहतरीन डिफेंस, लेकिन फाउल हुआ मंजीत का और स्कोर लेवल एक ऑल। पिछड़ने के बाद में चार पिछड़ी थी एक बार, लेकिन बढ़िया से रिकवरी की और शांत बने रहे, अपने रिदम को बनाए रखा, दबाव में अच्छा खेलने की कोशिश की और अब लेवल हो चुका है स्कोर। बैग वाला हमारे भाई पूर्व ब्लॉक प्रमुख आज भी आप कल भी आए थे और आज भी आपने अपनी उपस्थिति दर्ज यहाँ पर की है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख हल्द्वानी जिला पंचायत सदस्य भी आप रहे अपने क्षेत्र के, आदरणीय लाखन निगरिया जी हमारे बीच में यहाँ पर आए हैं। मैं लाखन निगरिया जी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ, आभार करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे बीच हैं। स्वागत है आपका। मैच कितना रोमांचक है, देखिए तीसरा सेट चल रहा है और अभी बिल्कुल लेफ्ट टू लेफ्ट फाइट है, स्कोर है 10-10। हमारे बीच में हल्द्वानी से आए हैं, उनका स्वागत है, मुख्यमंत्री अपना स्थान ग्रहण करा, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। स्कोर है 12-10। आप देख बादशाह चिल्ला लो सर लगा के आ गए दो अंकों की बढ़ गया पे चले के पास सर्विस की, तो सर्विस की भाषा अंदर आ गए हैं, उदित बाहर हैं।
ये भी ध्यान देंगे आप, बादशाह यहाँ पर मैदान के अंदर कई देर से देख रहे थे कि वो बादशाह को मौका कब मिले, लेकिन बादशाह इस बार मैदान के अंदर है। देखते हैं क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। बड़ा के पास में, से यहाँ पे, के पास मौका,